उत्तराखंड बीजेपी नेताओं की पिछले दिनों लगातार राजनीतिक सक्रियता बढ़ रही है। पार्टी के कई नेताओं को हाईकमान ने दिल्ली तलब किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी पार्टी नेताओं से दो बार मिलकर वापस आ चुके हैं। कई केंद्रीय नेता अंदर खाने उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं से चुनावी फीडबैक ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ा डर भी सताने लगा। 2016 में जिस तरह से उत्तराखंड में राजनीतिक उठापटक की स्थिति देखने को मिली थी, कहीं उसी रणनीति के तहत बीजेपी तैयारियां तो नहीं कर रही है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं के बयान कुछ इसी और इसका इशारा कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौने ने हालांकि साफ किया कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और यह सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। 2016 में जिस तरह से बीजेपी ने सियासत की थी, वैसे घटना का मौका नहीं मिलेगा। जनता ने पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनाने का फैसला किया। निश्चित तौर पर जो भी कवायद यहाँ चल रही है उत्तराखंड के नेताओं का, चाहे दिल्ली जाना हो चाहे दिल्ली वालों का इधर आना हो, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कम से कम जिस तरह का षड्यंत्रकारी इनका दिमाग है, जिस तरह की कुत्सित मानसिकता के ये लोग हैं, तो कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में पक रहा है। पर हमें लगता है कि जनता इस बार इनको मौका देगी नहीं। उत्तराखंड में कांग्रेस इस तरह की कंफर्टेबल सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, कि जिस तरह का षड्यंत्र इन्होंने 2016 में किया, उस तरह के षड्यंत्र को अंजाम देने का इनको शायद बारी ना मिले या उसको अंजाम ना दे पाए। एक तरफ जो है मुख्यमंत्री